फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ लोग खैरियत होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक एक मुख्तलिफ, डिफरेंट और धमाका मचाने वाला है। आप सोच रहे होंगे क्या चीज़ ऐसी बातें बोल रहा है। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं बनाने जा रहा हूँ, आज हम बनाएंगे बैंगन फ्राई। यूट्यूब के ऊपर तो आपने सुना होगा, बनाए भी होंगे, खाए भी होंगे, लेकिन जो मैं आज आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ, डिफरेंट, मुख्तलिफ और काफ़ी यूनिक रेसिपी। दो अदद हमने बैंगन ले लिए हैं, दो अदद बैंगन आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। एक अदद लिया हमने अंडा, इसके ऊपर ना स्टैंप लगी होती है एक्सपायरी डेट की भी। तो फ्रेंड्स, इधर हमने लिया है 100 ग्राम दही और लिया है इधर हमने ब्रेड। मसाला जात में हमने इधर मसाला जात में लिया है 1/2 टेबल स्पून दड़ा मिर्च, 1/2 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून नमक, 1/2 टेबल स्पून क्या है ये सूखा धनिया, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला और 1/2 टेबल स्पून चना सॉल्ट। तो फ्रेंड्स, आप सोच रहे हैं इन चीज़ों का आज क्या बनाने जा रहा हूँ। ये ब्रेड जो मैंने आपको दिखाई है, इसका हम बनाएंगे ब्रेड क्राम। अगर आपको वो खुशक एक ब्रेड क्राम मिलता है, अगर वो भी मिल जाए तो सबसे बेस्ट है। अगर आपके पास वो नहीं मौजूद है, क्योंकि वो खुला पैकेटों में बहुत कम मिलता है, वो ज़्यादातर बड़ी बड़ी बोरियों में वो 20 kg 10 kg में ऐसा मिलता है। बड़े बड़े रेस्टोरेंटों में भी वो होता है, जो फिंगर फिश होती है उसके ऊपर लगाया जाता है। और ब्रेड क्राम ऐसा मेरे पास मौजूद नहीं था, तो हम इस फ्रेश ब्रेड क्राम जो फ्रेश ब्रेड है हमारी ये वाली, तो इसका हम ब्रेड क्राम बनाएंगे और अच्छी सी यूनिक रेसिपी बनाएंगे। और बगैर टाइम ज़ाया किए पहले बैंगनों को हम और छील के फिर इसकी अच्छी सी कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, पहले बैंगन को अच्छे से छील लेते हैं। बिस्मिल्लाह। फ्रेंड्स, अभी बैंगन की कर लेंगे कटिंग। बिस्मिल्लाह। अभी हम दूसरा भी इसी तरीके कटिंग कर लेंगे। कटोरी पानी में हम इसको शामिल कर देंगे, क्योंकि अगर एक कटोरी पानी में इसको डालेंगे ये थोड़ा कड़क हो जाएगा। बिस्मिल्लाह। तकरीबन हम इसको 15 मिनट तक ऐसे ही भिगो के रखेंगे और उसके बाद इसका बना लेंगे मसाला चाट, जो इसके हमारे मैंने पहले वीडियो में दिखाए हैं, गरम मसाला, सूखा धनिया, लाल मिर्च वगैरह जो भी मसाले जाते हैं हमारे, वो इसको इसके अंदर भरेंगे और इसको अच्छे से करेंगे फ्राई। तो फ्रेंड्स, बड़े बॉल में हमने एक अदद अंडा तोड़ लिया। अभी जो हमारे मसाले जात थे वो मैंने आपको जो पहले वीडियो में दिखाए थे, वो इसमें सारे शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह दी बरकत। और इसमें हम डालेंगे हमारा जो 100 ग्राम दही था वो इसमें ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह दी बरकत। और इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। अगर आपके पास ब्रेड क्राम नहीं है तो आप ब्रेड लें, ताज़ा ब्रेड, इसको जार में डालें। अभी हम ऐसा ही करेंगे, हमारे पास ग्राइंडर, इसके अंदर डालेंगे और इसको करेंगे ग्राइंड करेंगे, फिर इसका फ्रेश ब्रेड क्रम अच्छे से हो जाएगा तैयार। इधर हमारा मसाला रेडी है, इधर हमारे बैंगन भी रेडी। अभी हम इसको किसी छानने की मदद से निकाल देंगे थोड़ी देर के लिए, और इसको खुश्क होना तकरीबन 5 मिनट तक हम इनको करेंगे खुशक। तकरीबन आधा घंटा हो गया है, ये तकरीबन खुश्क हो गए हैं। अभी हम इसको लगाएँगे मसाला। बिस्मिल्लाह दी बरकत। तो जैसा कि देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना अच्छे से अंदर तक मसाला लग चुका है। अभी तकरीबन सबको ये ऐसा मसाला लगा लेंगे। अभी हम इसको लगाएंगे ब्रेड क्राम। ब्रेड क्राम लगाने का तरीका, पहले ब्रेड क्राम सारा नहीं यूज़ करेंगे, तकरीबन पहले थोड़ा सा नीचे बिखार लेंगे और फिर ऊपर रखेंगे बैंगन और फिर ऊपर से थोड़ा सा लगाएंगे ब्रेड क्राम। और फिर अच्छे से इसको ब्रेड क्राम इसके इसमें लगा के लगाएंगे। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, हमारा शाल माशाल्लाह से ब्रेड क्राम अच्छे से लग चुका है। अभी हम करेंगे इसको फ्राई। अभी एक ट्रे में रख देंगे इधर, आप देख सकते हो माशाल्लाह से। अभी बाकियों को भी ऐसे कर लेंगे। तो हमारे बैंगन को अच्छे से ब्रेड क्राम लग चुका है, अभी हम इसको कर लेंगे फ्राई। इधर हमारा पैन रेडी है और माशाल्लाह से ऑयल गर्म हो चुका है। अभी हम इसको डाल देंगे और
और अच्छे से करेंगे फ्राई। बिस्मिल्लाह दी बरकत। अब देख सकते हो माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आया इसमें, माशाल्लाह से। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आया हुआ है बैंगन में, माशाल्लाह से आप देख सकते हो, माशाल्लाह माशाल्लाह। तकरीबन हम इसी तरह, अभी ये हाफ डन हो चुका है, अभी हम इसी तरह सारे बैंगन कर लेंगे फ्राई।